डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रमन स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है उसको कैसे एक्सप्लेन करें और वो जो रमन लाइन्स आ रही है स्पेक्ट्रम में उसके फॉर्मेशन के लिए क्या थ्योरी है उस थ्योरी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रमन स्पेक्ट्रम को किस तरह से हम डिफाइन करें, रमन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी सैंपल पर गिराते हैं, सैंपल पर इंसिडेंट कराते हैं, तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का कुछ पार्ट जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है। अब यदि हम इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर एक स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दें और उस स्पेक्ट्रोस्कोप से स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेक करें, तो ये देखा गया कि जो स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के सेम होती है। यानी स्पेक्ट्रम में अपने को एक लाइन मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। लेकिन यदि इस सैंपल को काफी अधिक समय तक एक्सपोज कर दिया जाए इस इंसिडेंट लाइट में, तो सर सीवी रमन द्वारा ये देखा गया कि अब जो स्कैटर लाइट हमें मिलेगी उस स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम भी होगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है। स्पेक्ट्रम में इन स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसीज पर जो लाइंस बनती हैं उन लाइंस को हम रमन लाइंस कहते हैं। तो हम इसी को एक स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन करें, तो ये हमने एक स्पेक्ट्रम शो किया है जिसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ हम राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर न्यू बार की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमें एक सपोज ये न्यू बार आई है, ये हो गई एक तरह से हम कह सकते हैं इसको इंसिडेंट लाइट का वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी पर अगर हमें एक लाइन मिल रही है तो हम उसे रेले लाइन कहते हैं। और अगर इस रेले लाइन के पीछे यानी जो हमें इंसिडेंट लाइट है उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कुछ लाइनें मिलती हैं और इसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी कुछ लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, इन लाइंस को हम रमन लाइंस कहते हैं। जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर जो लाइंस मिल रही हैं उन लाइंस को हम स्टॉक्स लाइन कहते हैं, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जो लाइंस मिल रही है उन रमन लाइंस को हम एंटी स्टॉक्स लाइन कहते हैं। जो मैंने यहाँ इस स्पेक्ट्रम में शो किया है, थोड़ा सा अगर अपन ध्यान से देखें तो स्टॉक्स लाइन की जो इंटेंसिटी है वो एंटी स्टॉक्स लाइन की इंटेंसिटी से ज्यादा है। तो ये थोड़ी सी डार्क लाइन है ड्रॉ की गई है और ये एंटी स्टॉक्स लाइन की जो लाइंस है वो जो है इतनी डार्क शो नहीं की गई है। तो इस तरीके से ये रमन लाइंस को हम स्पेक्ट्रम में शो कर सकते हैं। ये जो रमन स्पेक्ट्रम या रमन लाइंस बनती है, ये रमन स्पेक्ट्रम नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी ये रमन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। और रमन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए हम आईआर रेंज या विजिबल रेंज को भी यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम से जो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन किया सकता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ ये शो करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जो रमन लाइन्स बन रही है इन रमन लाइन्स के बनने को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें।
रमन लाइंस की फॉर्मेशन के लिए, रमन लाइंस कैसे बनती है, रमन स्पेक्ट्रम कैसे बना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे हम क्लासिकल थ्योरी या हम इसे कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रम के लिए क्लासिकल थ्योरी या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, इसको हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो थ्योरी है इसका बेस क्या है? इस थ्योरी का बेस ये है कि जब एक मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मॉलिक्यूल में डिफॉर्मेशन या पोलराइजेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव एंड की तरफ और जो मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इससे उस मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं एक पोलरिटी डेवलप हो गई या कुछ टाइम के लिए उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम एक इक्वेशन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट यानी म्यू वाई इज इक्वल टू पोलराइजेबिलिटी इनटू ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस थ्योरी का बेस है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां ये इस थ्योरी में ये बताया गया कि सपोज हम एक न्यू आई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एक मॉलिक्यूल के सैंपल पर गिराते हैं तो जो सैंपल में मॉलिक्यूल है, जितने भी मॉलिक्यूल है, वो अपने सराउंडिंग्स पे अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है उसके लिए एक इक्वेशन अपने को याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव किए जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है E नॉट, फिर आगे हम लिखेंगे साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी। तो अगेन वापिस यह E जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है मॉलिक्यूल, ये कितना फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगाया है और न्यू आई जो है वो जो अपन ने रेडिएशन लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू आई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमने लिया है। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा और ई की जगह हम लिख दें ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी। इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जो एक इंड्यूस्ड डाइपोल बना वो इंड्यूस्ड डाइपोल में एक फ्रीक्वेंसी आ गई जो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू आई। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना ये ऑसिलेट करता है और एज पर हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना जो ऑसिलेट कर रहा है न्यू आई फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन के टाइम कुछ रेडिएशन जो है अपने में से उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा। तो जो रेडिएशन इसमें से बाहर निकलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, न्यू आई होगी। तो इसका मतलब ये इंड्यूस्ड डायपोल अपने में से
न्यू आई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इमिट या उत्सर्जित करता है। अब इसके साथ ही अगर हम ये और अज्यूम कर लें कि मॉलिक्यूल में साथ के साथ ही वाइब्रेशन हो जाए, तो वाइब्रेशन का मतलब है उस मॉलिक्यूल में डिफॉर्मेशन और हो गया, पोलराइजेबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि वाइब्रेशन से हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है। तो जैसे ही न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई वाइब्रेशन के टाइम, तो पोलराइजेबिलिटी में और चेंज हो गया। तो अब हम कह सकते हैं नेट जो पोलराइजेबिलिटी है अल्फा, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन भी अगर अपन लर्न करना है तो अल्फा इज इक्वल टू होता है अल्फा नॉट, अल्फा नॉट हो गया कि हम ये कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था में पोलराइजेबिलिटी, प्लस बीटा, बीटा मतलब वाइब्रेशन होने से पोलराइजेबिलिटी में कितना चेंज हुआ, उसको हम यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, बीटा से। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा, आगे है साइन 2 पाई न्यू वी इंटू टी, और न्यू वी जो है वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से नेट पोलराइजेबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट जो कि पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, प्लस बीटा, बीटा जो है वो वाइब्रेशन अगर हो रहा है मॉलिक्यूल में तो उस वाइब्रेशन के कारण कितना पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज बीटा साइन 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू वी इनटू टी। तो हम इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक नेट इंड्यूस डाइपोल यानी म्यू आई की इक्वेशन को फॉर्म कर लें। तो एक इक्वेशन नंबर फिफ्थ हम लिख सकते हैं, दैट इज इंड्यूस डाइपोल म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह हम लिख दें अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी इंटू टी, और फिर हम ई की जगह हम लिख दें जो हमने पहले इक्वेशन लिखी है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी। ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली इन सब इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। अब ये जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ है इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर लें, जो इंड्यूस डाइपोल है म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई टी प्लस बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू साइन 2 पाई न्यू वी इंटू टी, और वी कैन से म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई इंटू टी प्लस। अब ये जो इक्वेशन का पार्ट है, मैं इस पार्ट को इस तरह से मैं एक बार लिख दूं, ये है बीटा ई नॉट, और मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ये एक तरह से हो गया साइन ए इसको मैं एक साइन ए कह लेता हूं इंटू साइन बी कह लेता हूं। अब मैं यहां पे इसको कर देता हूं ट्वाइस और यहां डिवाइड बाय कर देता हूं टू। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा ई नॉट बाई टू, ये जो
फार्मूला है 2 sin A sin B, इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका सॉल्यूशन होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो इस तरह से ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का उसको हम इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यही अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 बीटा e नॉट और आगे हम लिख लेते हैं cos 2π, एक तो हो जाएगा न्यू आई माइनस न्यू वी टी और फिर हो जाएगा माइनस 1/2 बीटा e नॉट cos 2π न्यू आई प्लस न्यू वी इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब हमें इस इक्वेशन को सिर्फ एक्सप्लेन करना है। इस इक्वेशन का मीनिंग ये हो गया कि ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना, इस इंड्यूस्ड डाइपोल के 3 कंपोनेंट हो गए। इस इंड्यूस्ड डाइपोल में 3 कंपोनेंट हो गए, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट और ये हो गया थर्ड कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस इंड्यूस्ड डाइपोल का, उसमें एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू आई फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड कंपोनेंट जो है इसका, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है न्यू आई माइनस न्यू वी, और जो थर्ड कंपोनेंट है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी है न्यू आई प्लस न्यू वी। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपोनेंट में तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, इस कंपोनेंट में इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो गई और इस कंपोनेंट में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। अब वही हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये जो इंड्यूस डायपोल है ये जब ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करते समय जितनी इसमें फ्रीक्वेंसी है वो सारी उनका ये इमिट करेगा, उनका ये उत्सर्जन करेगा। तो इस इंड्यूस डायपोल में से जो फ्रीक्वेंसीज बाहर निकलेगी उसमें से एक फ्रीक्वेंसी तो होगी न्यू आई, एक फ्रीक्वेंसी होगी न्यू आई से कुछ कम और एक फ्रीक्वेंसी होगी न्यू आई से ज्यादा। तो ये जो न्यू आई फ्रीक्वेंसी जो बाहर निकलेगी इसको तो हम कहते हैं इससे जो स्पेक्ट्रम में लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे रेले लाइन, और ये जो कंपोनेंट सेकंड और कंपोनेंट थर्ड से जो फ्रीक्वेंसीज इमिट होगी उससे जो स्पेक्ट्रम में लाइंस बनेगी इनको हम कहेंगे रमन लाइंस। तो हम इस तरह से एक रमन लाइंस के बनने को इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रमन लाइंस का फॉर्मेशन इस इक्वेशन से बताया जा सकता है। यहीं पर ही हम ये भी बता दें कि यदि हम इस इक्वेशन नंबर 6 में बीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो बीटा अगर 0 हो गया तो इस इक्वेशन का सेकंड और थर्ड कंपोनेंट भी 0 हो गया, तो जो इक्वेशन बनेगी इंड्यूस डायपोल इज इक्वल टू वो सिर्फ होगी अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2π न्यू आई इंटू टी। इसका मतलब इस केस में हमें सिर्फ स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी, रेले लाइन मिलेगी, यहां पर हमें रमन लाइंस नहीं मिलेगी। यानी इस समय जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा, या हम उसको कहेंगे वो क्या हो गया, रमन इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये निकला कि रमन एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी हो गया कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन या रोटेशन से उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो वो मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो करेगा, रमन एक्टिव होगा। अदरवाइज अगर ये उसमें बीटा फैक्टर 0 हो गया तो वह मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव होगा। तो इस तरह से हम एक रमन लाइंस के बनने को कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन
या क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।